नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझो गत में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। नवनिर्वाचित सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरसुल्लागंज, भाजपा नेता और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर का नरसुल्लागंज रेस्ट हाउस पहुंचने पर जिलाध्यक्ष रवि मालविया तथा नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष पति अवध पटेल ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर गौशाला निर्माण में गति लाई जाएगी, साथ ही गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर आया हूं। कांग्रेस का काम ही लोगों को आपस में लड़ाने का है। बीजेपी विकास करने वाली पार्टी है और वे हमेशा विकास ही करेगी। और जिला पंचायत का पूरे वार्ड वाइज हम प्रशासनिक दौरा करेंगे। इस टाइप की कोई गड़बड़ी आई तो हम उसको सही करेंगे और पूरे पारदर्शिता के साथ हमारे जो पार्टी के और मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो भी कार्य हैं डेवलपमेंट के, वो प्राथमिकता से कार्य होंगे और निश्चित तौर पे कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा विकास का जिसमें कि अपने लोगों को लाभ नहीं। अध्यक्ष जी, अभी जो गाय है वो रोड पे घूम रही है और जो गौशाला है वो अधूरी पड़ी है। कहीं पे गौशाला है भी तो उसमें गाय नहीं रखी जा रही है, भूसे की व्यवस्था नहीं है। गौशालाएँ का निर्माण जो अधूरा है वो जल्दी पूरा करवाएंगे और क्योंकि गौशालाएँ अभी बनना बाकी है और जैसे ही गौशालाएँ बनेंगी तो आवारा गाय जो मवेशी घूम रही है वो भी समस्या ख़त्म होगी। भूसे की उसकी व्यवस्था हर महीने होती है, वहाँ से उनको उसके लिए उसका जो भी भूसे की व्यवस्था के लिए पैसे डाले जाते हैं। यदि ऐसी कोई बात होगी तो उसको प्राथमिकता से हम करवाएंगे क्योंकि गौ माता हमारी माता है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद अभी तक कोई गौशाला नहीं आवंटित नहीं है और जो पुरानी है उनका काम भी अधूरा पड़ा है। हम साफ से बात करके जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ नई गौशालाएँ बनवाएं। नरसुल्लागंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.